हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ राम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राम आस वन रिव्यू। दोस्तों, अभी मैंने 10 मिनट पहले मूवी देखी थी, यानी उस फिल्म को मैं यार क्या रिव्यू करूँ, मेरे पास उसके लिए शब्द नहीं है। दोस्तों, जर्नी टू द वेस्ट डेमोन चाइल्ड, इस फिल्म को मैंने भी देखा है। जर्नी टू द वेस्ट की जो दो मूवीज आई ना इससे पहले, वो फिल्में ना मान के चलो फैंटेसी मूवीज के लिए जान थी। यूटीवी एक्शन टीवी चैनल था, बचपन यादें हैं उस पर। दोस्तों, मैं इसका पहला जिन्हें ये फिल्म आई थी ना, इसका फर्स्ट पार्ट जब मैं फिल्म आया था ना, तब मैं उसको यूट्यूब एक्शन में देखा था और मैं इतना इन्जॉयमेंट हुआ था उसको, उसको नेट में ढूंढा कि यार मैं फिल्म को कहाँ से डाउनलोड करके देखूँ। बाद में फिल्म को मैंने डीवीडी भी देखा और अब इसके जब मैंने ये तीसरा इंस्टॉलमेंट बोलूँ, ये पता नहीं किस सोच के दोस्तों उन्होंने टाइटल रख दिया जर्नी टू द वेस्ट डेमोन चाइल्ड, जिसको हिंदी में रखा गया रेड बॉय वर्सेस मंकी किंग। दोस्तों, आसे पास की फिल्म उनसे मैच नहीं करती है, क्योंकि थोड़ी बहुत ही मैच कर जाए वो भी वहाँ नहीं करती है। फिल्म कहानी बड़ी अजीब टाइप की है। आप शुरुआत में फिल्म देखोगे, फिल्म 1 घंटे 7 मिनट की फिल्म है ये। शुरुआत हमें क्या देखने को मिलता है कि भाई एक बड़ा सा दानव है, वो आग बरसा रहा है। वहाँ पर एक मतलब रानी आती है जादूगरनी, उनके पेट में बच्चा पलता होता है और वो जब राक्षस होकर उनकी ताकत का सामना करती है ना, तो उसकी कुछ शक्तियाँ उस बच्चे के अंदर चल जाती है, यानी पेट गर्भ में वो शक्तियाँ चल जाती है। बाद में कुछ देर बाद में देखने को मिलता है मंकी किंग, और वहाँ पे वो रेड बॉय भी आ जाता है और इनके बीच में घमासान लड़ाई होने जाती है। 1 घंटे 7 मिनट फिल्म दोस्तों, मुझे कहीं भी मैंने इन्जॉयमेंट नहीं की है और मुझे इस बात का दुख हो रहा है इसका टाइटल जर्नी टू द वेस्ट क्यों रखा है यार। इस उतनी एपिक मूवीज को इससे आप लोगों ने कंपेयर क्यों की है? वो एक जादुई फिल्म थी और वो हमेशा यादगार रहेगी। जब जब भी यूट्यूब एक्शन में मूवी गिनी जाती है ना, भाई बहुत ही बढ़िया फिल्में कौन सी थी, तो जर्नी टू द वेस्ट सबसे पहले नाम लिखा जाता है, क्योंकि वो वहाँ की यादगार चीज़ें थी। तो यार कमेंट बॉक्स में बता सकते हो आपको मेरी बात कितनी सही लगी। जर्नी टू द वेस्ट पहली मूवीज आई थी वो गजब की थी, या ये जो आई है रेड बॉय वर्सेस मंकी किंग जर्नी टू द वेस्ट डेमन चाइल्ड, ये फिल्म जो भी आपकी राय हो कमेंट में जरूर बताना। देखो, अपना अपना ओपिनियन होता है। मैंने फिल्म देखी, मुझे फिल्म इस टाइप की लगी, मैंने आपके साथ अपनी बात शेयर कर दी। आपको कैसी लगी हो कमेंट में अपनी बात जरूर बताना। दोस्तों, मिलते हो अगले वीडियो में एक और मूवी की रिव्यू का अपडेट लेकर। तब तक के लिए दोस्तों, गुड बाय।